मामी जी, इस समय मतलब सुबह सुबह आशीबेन के कमरे में चिराग भाई भी तो होंगे ना। अरे चिराग सवेरे सवेरे कसरत करने चला जाता है, तू जा, जा के आशी को जगा। आपको कैसे पता? मुझे तेरे पूरे मोदी खानदान की दिनचर्या पता है। तू जा रही है या और रामायण सुनेगी? जी जी। आशीबेन, गुड मॉर्निंग, प्लीज उठिए। मुझे परेशान मत कर, सोने दे गोपिका। आशीबेन देखिए मामी जी, मामी जी मुझे लगता है आशीबेन बहुत थकी हुई है, थोड़ी देर और उसे सोने देते ना, मैं वापस आके उन्हें जगाती हूँ। गोपिका दिख रहा? अपने नए ससुराल में तू अपनी बहन आशी को ऐसे सोते रहने देगी क्या? अपनी और आशीबेन की नाक कटवाएगी क्या? हाँ देख, तूने मुझे वादा किया था कि तू अपनी आशी बहन का ख्याल रखेगी, है ना? चल उठा दे उसे। आशी बहन, क्या करूं, यहाँ पे आशी बहन नहीं उठ रही है, वहां सूरज जी उगने को है, दिया जलाओ कि नहीं उठाओ? अरे गोपिका सोच क्या रही है, उसकी रजाई उठा वो खुद उठ जाएगी। आशीबेन, आशीबेन, आशीबेन उठिए। गोपिका अगर तू भागी नहीं यहाँ से ना, मैं तेरे ब्लैंकेट में कॉकरोच डाल दूंगी। भाग जा यहाँ से। और अगर ये उठी नहीं ना तो वहां आकर मैं तेरी चोटी काट दूंगी। आशीबेन प्लीज उठ जाइए, भाग जा यहाँ से। क्या करूं मामी जी? गोपिका बाओ, हिटलर आ गई। जीत मामा जी, कृष्ण भगवान का सुबह का दिया प्रज्वलित क्यों नहीं हुआ है? मां जी वो मैंने कल ही तुमसे कहा था ना कि सूर्योदय से पहले कृष्ण भगवान के लिए दिया प्रज्वलित होना ही चाहिए। समय देखो, अब मात्र 20 सेकंड बाकी है सूर्योदय होने में और कृष्ण भगवान के लिए अभी तक दिया नहीं जलाया। माँ जी मैं अभी जला देती हूँ। आशीबेन जब मैं आपके कमरे में आई थी आप तो सो नहीं? गोपिका वो जल्दी उठ गई थी ना तो कमर सीधी करने कमरे में चली गई। अब तू ही सोच, अगर मैं सो रही होती तो इतनी जल्दी रेडी होके थोड़ी आ जाती। आशीबेन वो तो सही है लेकिन जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बड़ी सासू माँ। खुश रहो बेटा। गोपिका बहू माफ कर दीजिए माँ जी, मनुष्य से मनुष्य के लिए गलती हो तो क्षमा मिल जाती है, परंतु मनुष्य यदि
ईश्वर के कार्य में कोई गलती करे तो उसे क्षमा कैसे मिल सकती है? गोपिका बहू, मैंने कहा था ना कि सूर्योदय से पहले घर की बड़ी बहू कृष्ण भगवान के लिए सुबह का दिया जलाती है, और इस कार्य में तुम नाकाम रही। आने बीजी बात, आज पहली रसोई की रस्म है। पहली रसोई की रस्म का अर्थ होता है कि घर की नई बहुएं घर का उत्तरदायित्व निभाती है, उसका पहला कदम। मुझे लगा कि मैं मेरे सक्षम दिकरा के लिए योग्य पत्नी लेकर आई हूं, पर तुमने मुझे निराश किया है। जब पहली रस्म की दिन की शुरुआत ही गलत हुई है तो मैं कैसे विश्वास करूं? जिस गोपिका बहू ने कृष्ण भगवान के सुबह का दिया नहीं प्रज्वलित किया, वो घर की जिम्मेदारी और घर का उत्तरदायित्व कैसे निभाएगी? उत्तर दो। सॉरी माँ जी, मुझसे भूल हो गई। माँ जी, भूल से हुई भूल तो ठाकुर जी भी माफ कर देते। क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल सकता है? मिथिला बहू जी, बा सही और गलत अपने मन में होता है। आज तक गोपिका ने हमेशा तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा किया है ना जी बा। आज एक भूल हो गई है तो माफ कर दो उसे। और देखो, कोई हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। मेरा मेकअप भी नहीं बा। देख, गोपी का बहू ने कल तुम्हारे साथ दिया प्रज्वलित किया था ना जी बा, तो ऐसा समझ कि आज आशीर्वाद का दिन था, उसकी बारी थी। और पहली रसोई की बात कर रही हो ना जी बा, आज मुझे गोपी का बहू के हाथ के पैनकेक्स खाने हैं। आलू पूरी बनवाए? कोई हर्ज नहीं, घर में दो दो नई बहुएं आई है, दोनों की पहली रसोई है, तो गोपी का बहू एक चीज बनाएगी और आशी वो दूसरी चीज बनाएगी। उचित है पा। अब ये कहां फंसा दिया बुढ़ी पा ने, खाना बनवाएगी मुझसे। एक बात अवश्य कहूंगी पा, आपने बड़ी सरलता से ये समस्या सुलझा दी, धन्यवाद। तो ये तय रहा, पहली रसोई की रस्म में दोनों बहुएं अपने पति का मनपसंद नाश्ता बनाएंगी। पर बड़ी सासू माँ, अभी अभी शादी हुई है, हमें तो पता भी नहीं कि उन्हें क्या पसंद है। तो उनकी पसंद जानने के लिए वर्षों की प्रतीक्षा करोगी? नहीं ना, तो दोनों बहुएं जाकर अपने पति से पूछो कि उनका मनपसंद नाश्ता क्या है। अने बीजी बात, पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद और नापसंद ज्ञात होनी चाहिए। जी। हेलो एवरीवन, प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग रेडी है ना? यस सर। प्रशांत, तुम्हारा कैमरा एंगल बहुत गलत है, अपना कैमरा एंगल ठीक करो प्लीज। मैं नाश्ते के ब्रेकफास्ट के लिए आप क्या लेंगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा पास आओ। थोड़ा और पास। राइट। अरे थोड़ा अपनी तरफ, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। I'll see you.